आप देख रहे हैं जेके न्यूज ब्रेक। ये तस्वीरें जो बता रहे हैं हम उस दिग्गज नेता की हैं, योगेश शर्मा। जी हाँ, ये योगेश शर्मा जिन्होंने बीजेपी पार्टी को 25 साल दिए। जी हाँ, बीजेपी पार्टी को 25 साल दिए और कहीं ना कहीं पार्टी से अचूक हुई और इन्होंने नाराजगी जाहिर की और इन्होंने आज़ाद इलेक्शन भी लड़े जिनमें 2000 के करीब वोट लिए। और एक बात मजे की है, तुंडी त्राट पंचायत जो है वहाँ की आवाम इनकी जो है शाना बशाना इनके साथ खड़ी है, इसलिए हम कहेंगे कि इनको 3 बार टुंडी त्राट पंचायत से जिताकर सरपंच बनाया। हाँ जी, हैट्रिक लगाई। ये लीडर जो है, ये लीडर ईमानदार और निडर लीडर है, ये हर व्यक्ति का काम काज करता है। जी हाँ, तभी लोगों ने तीसरी बार योगेश शर्मा को सरपंच जिताकर हैट्रिक, सरपंच की हैट्रिक हुई और साथ उनकी पत्नी को भी एक वार से जिताकर पंच बनाया। देखिए इन लोगों का प्यार योगेश शर्मा के लिए, और योगेश शर्मा भी इनके लिए दिन रात खड़े रहते हैं। और आज इनके साथ बैठने का इनका मकसद था, एक ट्रैक्टर रोड थी 400 मीटर की जो कि शमशान घाट को भी टच करती है और ये जो आवाम खड़ी है इनके खेतों को भी टच करती है और कहीं ना कहीं कम्युनिटी में मतभेद था। इन्होंने दोनों कम्युनिटी को बैठाकर बातचीत की और काम शुरू किया। राकेश शर्मा, जेके न्यूज ब्रेक, राजौरी। मैं सरपंच योगेश शर्मा, पंचायत हल्का टूटी त्राड़। आज मौजा मुखोट में एक ट्रैक्टर रोड का जो डस्टबूर था, मेन रोड से वो ट्रैक्टर रोड जो है वो शमशान घाट तक जानी थी। इसके बीच में काफ़ी लोगों को जो फ़ायदा है, एक तो शमशान घाट भी है, नीचे हमारे खेत हैं वहाँ पर हमारा धान लगता है, जहाँ से जो बैल हैं वो ले जाते हैं, नीचे घाट है, लोग जाते हैं जहाँ से। उस रोड का थोड़ा डिस्प्यूट था, ये प्लान में रोड आई थी उसके लिए, जहाँ पर थोड़ा सा आपस में मतभेद थे, वो आज हमने बरादरी में बैठ करके हिंदू मुसलमान सारे हम जहाँ पर इकट्ठे बैठे और उस रोड का जो मसला है हमने जो हल किया है, और रोड जो है वो हमने जहाँ पर जेसीबी लगा दिया है, ये जेसीबी जो है ये रोड वहाँ शमशान घाट तक ले जाएगा। और हम जहाँ की जितनी भी आवाम जो है, जो हिंदू मुसलमान है, हम सब एक ही हैं, लेकिन कई जगह पे थोड़ी बहुत ही बात हो जाती है, ज़मीनों का मसला है, लोगों ने अपनी अपनी ज़मीनें देनी है, कोई आदमी ज़मीन देना पसंद करता है, कोई ज़मीन देना नहीं पसंद करता है, लेकिन रोड के मसले को लेकर के कई जगह पर हमने थोड़ी और डेवलपमेंट करनी है, कोई डंगा बनाना, कोई कुछ करना है, लोगों से बात करके हमने इस मसले को हल किया, जो हमारी रोड है वो शुरू होने वाली है। मैं तमाम जहाँ पर जितने भी हमारे हिंदू मुसलमान इस इलाका के मुखौर के जितने भी लोग आए हुए हैं, तकरीबन आज 200-250 लोग थे, कुछ चले गए हैं, हमने पंचायतनामा लिखा है इसमें वो लोग चले भी गए हैं, तो मैं तमाम इन लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्होंने एक भाईचारा को, हिंदू मुसलमान भाईचारा को, लॉ एंड ऑर्डर को मद्देनज़र रखते हुए एक फैसला किया है। उस फैसले के ऊपर ये सारे लोग ये उस पर मुतफिक रहेंगे और मैं भी रहूँगा, मैं इनके लिए दिन रात खड़ा रहूँगा, चाहे हिंदू हैं चाहे मुसलमान हैं। इनका कोई भी काम हो, कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के पास काम हो, डीसी साहब के पास काम हो, एसएसपी साहब के पास हो, कहीं भी काम हो, क्योंकि ये मेरे लोग हैं, इन लोगों ने मुझे तीसरी बार सरपंच बनाया है, मैं तीसरी बार सरपंच बनाऊँ, मैं हमेशा इन लोगों के लिए खड़ा रहूँगा। एक बार फिर मैं दिल की गहराइयों से इन सब लोगों को मुबारकबाद देता हूँ।